चुनाव से पहले ही दिल्ली में सियासत का रंग चढ़ने लगा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों और नेताओं के हमले एक दूसरे पर तेज होते जा रहे हैं। आरोपों की गेंद कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में लुढ़कती रहती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ। एक बार फिर मुख्यमंत्री जी अपनी ही बातों में फंसते नजर आ रहे हैं, जिसका भरपूर फायदा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। दरअसल कुछ वक्त पहले ओखला ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष परवेज आलम ने एक आरटीआई के जरिए केजरीवाल की महिलाओं के मेट्रो में मुफ्त सफर की घोषणा पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरटीआई में योजना के लिए कमेटी गठित करने, पॉलिसी बनाने और योजना को लागू करने की फाइनल तारीख के बारे में पूछा था। इस पर जवाब देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा था कि दिल्ली मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के संबंध में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। बस तो फिर क्या था, दिल्ली सरकार के इस जवाब ने अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के निशाने पर ला खड़ा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र कोचर ने इस मसले पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए इस योजना को केजरीवाल की कोरी कल्पना बता डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार से बौखलाकर दिल्ली सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी। और तो और, कोचर यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसे सीएम साहब का करोड़ों का पब्लिसिटी स्टंट भी कह डाला। कांग्रेस की माने तो दिल्ली सरकार के मुखिया ऐसे लोक लुभावने वादे करते रहते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल सरकार विपक्ष को किस तरह से जवाब देगी। महिलाओं को वास्तव में मुफ्त मेट्रो का लाभ मिल पाएगा या जुबानी जंग जीतकर ही केजरीवाल सरकार अपनी बात का वजन बढ़ा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।